सोनभद्र के दुद्दी कोतवाली क्षेत्र के बीड़र गांव में शनिवार की सुबह नाश्ता बनाने के लिए मिनी सिलेंडर गैस जलाते समय आग में 5 लोग झुलझ गए। 5 घायलों को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां 5 का इलाज दुद्दी CHC पर चल रहा है। घायलों में 8 से 10 वर्ष के 3 बच्चे भी हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 31 वर्षीय सूरदेव मेहता पुत्र स्वर्गीय दसू मेहता निवासी ग्राम झुनका थाना धुरकी जिला गढ़वा झारखंड अपने 2 बच्चों क्रमशः 10 वर्षीय अनूप कुमार व 8 वर्षीय राहुल कुमार के साथ 2 दिनों पूर्व दुद्धी के बीहड़र गांव में अपने भनोई विनोद कुशवाहा के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में आए थे। सूरदेव शनिवार की सुबह नाश्ता बनाने के लिए जैसे ही गैस चालू कर माचिस जला रहे थे कि एकाएक आग की तेज लपटें उठी, जिससे सूरदेव सहित उनके पास खड़े उनके दोनों बच्चे अनूप व राहुल सहित 10 वर्षीय किशन कुमार पुत्र शंकर कुमार निवासी झारखंड कमलेश कुशवाहा निवासी बीड़ा झुलझ गई। शुक्रवार को विनोद कुशवाहा की लड़की का तिलक समारोह सम्पन्न हुआ कि शनिवार को यह घटना हो गई। क्या नाम है आपका? प्रतिमा देवी। कौन से गाँव का? बीड़ा। आज आपके घर पे कोई घटना घटी है, क्या मामला? हाँ। क्या हुआ था? आग से जल है गैस से। क्या कर रहे थे सब? सब खाना बनाने के लिए कर रहे थे। कौन कौन थे? 5 ठेर थे, झारखंड से आए हैं। कहाँ पे आए थे? यहाँ पे जीजा घरे। तो कब हुआ था? कैसी हालत है उनके सबके? सब घायल हैं 2, अब बाकी सब सही हैं। ठीक ठीक ठाक है। तो सिलेंडर आखिर कैसे फट गया, क्या कारण रहा? फटा है या जला है, कैसे क्या हुआ है? अब कैसे लीकेज हुआ है तो नहीं बता पाएंगे। छोटा वाला था सिलेंडर या बड़ा वाला था? छोटा वाला था। किस गांव के हैं? अभी दुद्धी अस्पताल में आए हैं, काफी लोग हैं। क्या हुआ है? गैस मतलब ऊपर से मतलब लीकेज हो गया गैस एकाएक, इसीलिए 4 लोग मतलब घायल हैं। 4 लोग जल गए? हाँ, 4 लोग जल गए। कौन से गाँव का मामला है? कौन से गाँव में चला है? बीड़र गाँव में। किसकी शादी? लड़के की शादी? लड़की का शादी था, मेरा भाई पिंडमगढ़ से आए थे शादी में, बहन के घर ऐसा घटना हुआ। तो ज्यादा किसी को कुछ हुआ नहीं है ना? नहीं, ज्यादा कोई मतलब ज्यादा नहीं लगा है, लेकिन तब वो घायल है। जो सिलेंडर था वो बड़ा वाला था छोटा वाला? छोटा वाला। कौन जला रहा था सिलेंडर? मेरा भाई सूरज। आपको कहीं कुछ नहीं हुआ है? नहीं, मेरा 4 लोग घायल। 4 भाई। डॉक्टर साहब क्या बोले अस्पताल में? डॉक्टर साहब कुछ बता। सर CSC में सुबह 3-4 पेशेंट आए थे, बर्निंग का केस था। क्या कंडीशन है उनकी? वो जब आए थे तो काफ़ी घबराए हुए थे, उनका इलाज यहीं पे CSC में चल रहा है। 4-5 लोग थे, जिसमें एक बच्चा वो थोड़ा सा ज़्यादा जला हुआ था, 20% के आसपास उसका बर्न था, जिसको कि यहाँ पर दवाई करके और मरहम पट्टी जो ड्रेसिंग है वो की गई है, और अभी हालत में सुधार है उसके। तो जो 5 पेशेंट आए थे तो क्या मतलब जानकारी मिली, कैसे वो जले हैं? जो जानकारी बता रहे थे कि गैस जलाने गए थे, तभी अचानक से जो है आग लगी, जिसकी चपेट में वो आ गए थे, और जिसकी वजह से पूरा हादसा हुआ था। बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चे उसमें 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और 2 वयस्क हैं, उसमें एक महिला है और एक पुरुष है। सबकी स्थिति सामान्य है? हाँ, सबकी स्थिति सामान्य। एम्बुलेंस आए थे कि अपनी जीवन से? जहाँ तक है वो अपने ही साधन से आए थे, एम्बुलेंस नहीं आया। कितने बजे अस्पताल आए थे? 10:30-10:30-11 के करीब। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाया है आपके लिए अर्थ हाईवे सिटी, मात्र 850 रुपए में प्रति वर्ग फीट में उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन में हाईवे टच प्रॉपर्टी हमारे यहाँ उपलब्ध है। 900 वर्ग फीट से 2600 वर्ग फीट तक के प्लॉट साइज, रीवा शहर से 10 किलोमीटर, रीवा रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर एवं रीवा एयरपोर्ट से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अर्थ हाईवे सिटी। आकर्षक मैन गेट, कंपाउंड वॉल की सुविधा, पूरे प्रोजेक्ट में बिजली पानी नाली की सुविधा, रजिस्ट्री खर्च एवं नामांतरण फ्री, आपके अपने बजट के अनुसार हाईवे सिटी में प्लॉट बुक करने का सुनहरा अवसर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627 8962758722 9425377877। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।